कहानी की शुरुआत में हमें आज से 12,000 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक आदिवासी चित्र बना रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से ज़ॉम्बी जैसा खतरनाक आदमी आकर उसे मार डालता है। इसके बाद हमें आज का सीन दिखाया जाता है, जहां एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें कुछ दोस्तों का ग्रुप होता है जो पुरानो चीजों को खोज कर उस पर रिसर्च किया करते थे। अब वो सभी लोग एक पहाड़ी इलाके में जा रहे होते हैं। वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि आज से 12,000 साल पहले इन पत्थरों पर अजीब चित्र बने होते हैं। ये लोग वही चित्र के पास जा रहे होते हैं जिन चित्रों को उस आदिवासी ने बनाया था। अब वे लोग गाड़ी को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उन्हें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। वह रास्ता गुफा से होकर जा रहा था। अब सभी लोग गाड़ी से उतर कर गुफा के अंदर चले जाते हैं और वो लोग गुफा के अंदर का नजारा देख कर बहुत हैरान होते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त ग्रुप के एक मेंबर एंजा को बहुत डर लगता है, जिसके वजह से उसकी सांसें फूलने लगती है और एंजा एक पत्थर से टकरा जाती है, जिसके वजह से उसके हाथ से खून निकल के जमीन पर गिरता है। ये देखकर उसके दोस्त उसे गुफा से बाहर लाते हैं। गुफा से बाहर आते ही एंजा को राहत की सांस मिलती है। उसी वक्त डैश कहता है कि हम लोग गुफा के अंदर से ही जाएंगे और एंजा गाड़ी लेकर घूम कर आएगी। ये आइडिया सभी लोगों को ठीक लगता है। इसके बाद हमें गुफा का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ एंजा का खून गिरा था। उस जगह पर जमीन फैलने लग जाती है, यानी कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी थी और अब उन लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब वो सभी लोग रास्ता तय करके उन चित्रों के पास पहुँच जाते हैं जो पत्थरों पर बनी थी। उन रहस्यमय चित्रों को देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और साथ ही बहुत खुश भी होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग कोई नई खोज कर ली है। अब सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग कई दिनों तक यहीं पर रहेंगे और उन पत्थरों पर रिसर्च करेंगे। इसीलिए वो सभी लोग पहाड़ के नीचे अपना टेंट लगा लेते हैं। इधर एंजा और उसके साथी को पास में ही एक नदी दिखती है। ये देखकर वो दोनों नदी के पास जाते हैं, लेकिन तभी उसके दोस्त नदी के पास पड़ी एक बोतल उठाता है जिसे छोटे छोटे कीड़े खा रहे होते हैं। ये देखकर वो एकदम से डर जाता है और बोतल को दूर फेंक देता है और एंजा से कहता है कि मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अब सभी लोग उस पत्थरों के पास जाते हैं और उन चित्रों पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एंजा और उसके साथी बहुत थक गए थे, इसीलिए वो दोनों आराम करने के लिए वापस आ जाते हैं और डैश वहीं पर रुककर उन चित्रों का फोटो लेने लगता है। तभी अचानक क्रैश के हाथ पर एक कीड़ा आकर काट लेता है और वह वहां से भाग जाता है। अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहां सभी लोग टेंट के पास इकट्ठा होते हैं। इधर हम मैल को देखते हैं जो कि पानी में नहा रही होती है। जब मैल नहा के नदी से वापस निकलती है तो बाहर खड़ा उसका दोस्त सैंड देखता है कि मैल के पूरे बॉडी में पानी के अंदर रहने वाले कीड़े चिपके हुए थे। सैंड ये देखकर डर जाता है और मैल को भी काफी दर्द होने लगता है, इसीलिए वो दोनों अपने साथी को आवाज देकर बुलाते हैं। और अब मैल आराम करने के लिए वापस टेंट में आ जाती है और थोड़ी देर बाद मैल की तबीयत बिगड़ जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगते हैं। लेकिन तभी एंजा नोटिस करती है कि मैल के मुंह से खून के साथ साथ छोटे छोटे दांत भी निकलने लगते हैं। तभी वो लोग डैश को बुलाते हैं। डैश उन लोगों को समझाता है कि पानी के अंदर कीड़े इतने जहरीले भी नहीं होते, शायद मैल को कुछ और हुआ है और उसे आराम की जरूरत है। इसके बाद डैश मैल को देखने जाता है। मैल की ऐसी हालत देखकर डैश भी हैरान हो जाता है और वापस आकर उन लोगों को कहता है कि हमें जल्दी से कोई आसपास हॉस्पिटल ढूंढनी चाहिए। जिसके बाद डैश कहता है कि तुम मैल को पास के हॉस्पिटल में ले जाओ और तुम सुबह तक वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हें रास्ता मालूम है और मैं यहीं रुकूंगा और उन चित्रों पर रिसर्च करूंगा। अब सभी लोग मैल को उठाकर गाड़ी के अंदर बैठा देते हैं और वो देखते हैं कि गाड़ी के टायर को उन छोटे छोटे कीड़ों ने खा लिया था। अब डैश मैल को वापस उठाकर टेंट में ले आता है और अब रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। अब सभी लोग अपना अपना सामान बांध रहे थे, लेकिन तभी क्रिस नोटिस करती है कि मैल दूर अकेले खड़ी है और उसकी हरकतें भी बहुत अजीब है। जब वो पास जाकर देखती है तो बहुत डर जाती है। वो देखती है कि मैल एक जानवर को खा रही थी और मैल दिखने में एकदम ज़ॉम्बी की तरह लग रही थी। अब मैल एकदम से क्रिस को नीचे गिरा कर छलांग लगाती है और सैंड पर हमला कर देती है और उसके हाथ पर काट लेती है। ये देखकर बाकी के लोग भी बहुत डर जाते हैं। तभी समय रहते डैश आग से जलते हुए लकड़ी को उठा लेता है और मैल के सामने करता है, जिससे मैल आग से डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इधर क्रिस जल्दी से अपना कैमरा उठाती है और उन चित्रों पर बनी पेंटिंग को देखती है और बाकी लोगों को बताती है कि ये पेंटिंग्स कोई कहानी नहीं बताती, बल्कि हमारे लिए चेतावनी है और हमें समय रहते वहां से निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम जंगल में मैल को देखते हैं जो जानवरों को मारकर उन्हें एक गुफा में ले जाकर फेंक रही थी। गुफा में जाते उन जानवरों
की बॉडी अचानक से एकदम गायब हो जाती थी, यानी कि उस गुफा में कोई तो ऐसी चीज थी जो जानवरों को खा रही थी। और इधर डैश और उसके साथी किसी भी हालत में मेल को पकड़ना चाहते थे क्योंकि वह अब बहुत खतरनाक हो चुकी थी। इसीलिए सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसके बाद वो लोग पत्ते के नीचे जाल बिछा देते हैं और डैश सेंट से कहता है कि तुम जाल के पास ही रहोगे और मैं पेड़ के ऊपर रहूंगा और जैसे ही मेल तुम्हारे पास आएगी हम उसे जाल में फंसा लेंगे और बाकी के लोगों का काम है मेल को ढूंढ कर उसे जाल तक लाना। अब सभी लोगों के पास आग होती है ताकि वो अपने आप को मेल से बचा सके। अब सभी लोग अपने काम पे लग जाते हैं। इधर हम एंजा को देखते हैं जिसके पास अब मेल आ जाती है और वह उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन एंजा के पास आग से जलती हुई लकड़ी होती है इसीलिए मेल डर रही होती है, लेकिन तभी वह आग बुझ जाती है और मेल एंजा को मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर वरेन आ जाता है और उसके पास आग होती है, इसीलिए मेल पीछे हट जाती है और मेल भागते हुए जाल तक पहुँच जाती है और मेल देखती है कि जाल के पास सैंड खड़ा होता है, इसीलिए वो सैंड को मारने के लिए दौड़ती है और इसी बीच वो जाल में फंस जाती है। लेकिन मेल अब बहुत ही खतरनाक हो गई थी इसीलिए वो जाल को भी फाड़ देती है और वो बाहर निकल जाती है। जाल से बाहर निकलते ही वो सबसे पहले वैन पर हमला करती है और उसका गला काट देती है और बाद में वहां से वो भाग जाती है। इधर डैश पानी में छुप कर अपनी जान बचाता है। पानी से जैसे वो बाहर निकलता है तो वो अपने बॉडी को चेक करता है क्योंकि उसे भी डर था कि कहीं पानी के अंदर रहने वाले कीड़े उसे काट तो नहीं लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक था। अब सभी लोग मेल को वहां से भगाकर अपनी जान बचाते हैं और इधर एंजा वेरेन का ब्लड रोकने की कोशिश करती है लेकिन ब्लड नहीं रुकता और वो भी मर जाता है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत डरे हुए थे और आग के पास बैठकर बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी थोड़ी ही समय के बाद वहां पर मेल आ जाती है और वो वेरेन की बॉडी को खींच कर ले जाती है और उसकी बॉडी को गुफा के अंदर फेंक देती है। इधर पीछे हमें डैश को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत काफी बिगड़ रही थी, मतलब कि वो जब पानी में गया था तब वो कीड़े उसे भी काट लिए थे, अब वो मेल जैसा बन रहा था। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई थी। तब सैंड कहता है कि हमें इसे मारना होगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये भी मेल की तरह बन जाएगा और हम सबको मार डालेगा, इसीलिए समय रहते हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। अब यहाँ पर सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि डैश को मारेगा कौन क्योंकि कोई भी उसे मारना नहीं चाहता था। तब वे लोग एक गेम खेलने का प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि जो भी इस गेम में हारेगा उसे डैश को मारना होगा। और अब इस गेम में एंजा हार जाती है। अब वो चाकू लेकर डैश को मारने की कोशिश करती है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती, इसीलिए एंजा पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और डैश के सर पर पटक देती है। अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल में आगे बढ़ते हैं लेकिन सैंड के सामने मेल आ जाती है जिससे वो घबरा जाता है और वो भाग भी नहीं पाता और मेल उसे काट देती है, जिसके बाद अब मेल एंजा के पीछे पड़ जाती है और एंजा भागती हुई उस गुफा में चली जाती है। तब हम देखते हैं कि मेल उस गुफा में नहीं जाती, जिसका मतलब साफ था कि वह गुफा के अंदर जाने से डरती थी। इधर क्रिस अपने गाड़ी के पास पहुंच जाती है और गाड़ी में हथियार ढूंढने लगती है। तभी वहां पर डैश आ जाता है जो कि मेल की तरह बन गया था। अब वो क्रिस के ऊपर हमला करने लगता है और वो क्रिस को मार कर खाने वाला ही था कि वहां पर मेल आ जाती है और वो डैश को उठाकर दूर फेंक देती है ताकि वो क्रिस को मार के खा सके। अब मेल क्रिस को वहां से ले जाती है। इधर पीछे हम सैंड और एंजा को देखते हैं जो अब दोनों एक साथ हो गए थे और उनके पास क्रिस का हथियार था जो हथियार उसे कार में मिली थी। तभी वो दोनों देखते हैं कि डैश और मेल वेरेन की बॉडी जो अभी भी बची हुई थी उसे खा रहे थे। इधर सैंड अपना आपा खो बैठता है और डैश से जाकर भिड़ जाता है और इधर एंजा भी किसी तरह अपनी जान बचा रही थी। उधर सैंड और डैश दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार डालते हैं और एंजा भी अपनी जान बचाने के लिए वापस गुफा के अंदर चली जाती है, लेकिन मेल गुफा के अंदर नहीं आती। गुफा के अंदर जाते ही एंजा क्रिस को देखती है जिसका पेट बहुत ही फूला हुआ था। एंजा बहुत डर जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वह ये बात समझ जाती है कि इस गुफा के अंदर उन दोनों के अलावा और कोई भी है। अब वहाँ पे अजीब सा क्रीचर जमीन से निकलता है और एंजा के हाथ पैर को पकड़ लेता है। इधर क्रिस का भी पेट काफी फूल रहा था जिसे वो सहन नहीं कर पा रही थी और अपने पेट को चीर डालती है, जिसके अंदर से बहुत ही अजीब जीव निकलती है जिसको क्रिस तुरंत मार डालती है और अब वो एंजा को भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन
तभी वो बड़ा सा क्रीचर उसे पकड़कर मार डालता है, जिसके बाद क्रीचर एंजा के बॉडी पर अजीब तरह की हरकतें करने लग जाता है और एक समय के बाद वो रुक भी जाता है। और मौका देखकर एंजा पास में पड़ा चाकू उठाती है और उस पर हमला कर देती है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस गुफा से बाहर निकलती है। वो उस पर हमला कर देती है और अब इस लड़ाई के दौरान एंजा मेल की सिर को एक पत्थर से कुचल देती है और मेल खत्म हो जाती है और एंजा भी राहत की सांस लेती है। मतलब कि जो ग्रुप उन पत्थरों पर रिसर्च करने आया था उनमें से वो सिर्फ अकेला ही जिंदा वापस जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको और आपके फैमिली को गॉड हमेशा खुश रखे और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।